हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा पाँचवीं की एट ग्रेड अभ्य पुस्तिका लेकर आ चुका हूँ, वो भी गणित की। ठीक है, तो गणित की मैं एट ग्रेड अभ्य पुस्तिका लेकर आ चुका हूँ जो आपको स्कूल द्वारा नई बारी दी गई है 2024-25 की। ठीक है, तो उसका मैं पार्ट आठ का संपूर्ण सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट एक से लेकर पार्ट सात तक का आपका पूरा संपूर्ण सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी वीडियो तो आप लोग देख सकते हो, हमारे चैनल पर जाकर पूरी संपूर्ण सोल्यूशन डाल दी है मैंने। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सामने आप कक्षा पाँचवीं का और गणित का पार्ट आठ कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए शुरू कर दें। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पार्ट आठ और पार्ट का नाम दिया गया है नक्शा। तो नक्शा से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर देना हम लोगों को, साथ ही अपने अपनी बुक में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखना है, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप लोग इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपको आसानी आ रही समझने में। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ लेना पूरा। पढ़ने के बाद आप लोग क्वेश्चन करना जो मैं बता रहा हूँ, भाई अभ्यास ही भरना है। ये आपका नक्शा रहेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस प्रकार से इसको भी देख लें एक बार, स्कूल कैसा है, तालाब कैसा है और जो आपके पेड़ रास्ता कैसे हैं, इनको भी देख लें। फिर जस्ट आप लोग देख सकते हो, नीचे दिए गए नक्शा को देखकर समझिए, प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, इन इस वाले नक्शा को भी समझें और फिर चलिए हमने इनके प्रश्नों को उत्तर दे दिए। यहाँ पर लगा आम के पेड़ों के पास स्कूल है, स्कूल पर उनकी अपने स्कूल का नाम लिखिए, स्कूल का नाम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्कूल का नाम क्या है, इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना। क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना है। पहले का सुरेश का घर तालाब के पास है, सुरेश का नाम उसके घर में लिखिए। तो उसका घर कहाँ पर है, तो ये आपका, तो यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिख देना, उसका घर का नाम ये है, तो एक स्कूल के घर लिख देना। चलिए इनको छोड़ दीजिए, इनको करना ज़रूरी नहीं है। जो आपको यहाँ पर देख सकते हो, ये नक्शा है, इन नक्शा को देख लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे पूरे पूरे क्वेश्चन आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ से लग जाते हैं, जिसमें सब प्रथम आप लोगों के सामने सही विकल्प आएंगे। तो पहला विकल्प लिखा है, इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, जिसमें डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन पर आपको राइट कर देना है और यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है, और यहाँ पर आपको महाराष्ट्र लिख देना है, जैसे यहाँ पर जी लिखा वाला ऐसा कि ऐसा, यहाँ पर नीचे उत्तर में लिख देना है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरे प्रश्न में लिखा है, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा, तो आपको लिखना है केरल राज्य। कौन सा, केरल राज्य, यानी सी ऑप्शन आपका सही है, और यहाँ पर सी वाले पे आपको यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है और यहाँ पर केरल लिख देना है नीचे। तीसरा देखते हैं, तीसरे में लिखा है, इनमें से कौन सा प्रदेश भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है, तो ये आपका हरियाणा, तो ए ऑप्शन सही है, हरियाणा, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से भर देना है। अगला क्वेश्चन नंबर तीन, जिसमें लिखा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास राज्य कौन सा है, तो वो है आपका तमिलनाडु। कौन सा, तमिलनाडु, और तमिलनाडु पर आपको राइट क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर ए ऐसा भर देना है। और अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर पाँच, जिसमें लिखा है कि असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होती है, तो बिहार से हो जाती है, तो आपको ए ऑप्शन पर राइट क्वेश्चन लगा है, यहाँ पर इस प्रकार से भर देना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के इस नक्शा को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहले आप लोग इस नक्शा को देख लें, ठीक है, तो ये आपका है पूरा दिशा, जो उत्तर दिशा है, और जी आपकी दक्षिण दिशा है, और जी आपकी पश्चिम दिशा, जी आपकी खिड़की हैं, ठीक है, जी आपकी अलमारी है, ये सूचना पटल है, ये आपका दरवाज़ा है, और ये श्याम पट है, और ये क्या है, बेंचे हैं पूरी पूरी है। अब चलिए हम इनको देखते हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर, इन प्रश्न लिखें उत्तर लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, इन इस खिड़की, इस कक्षा की खिड़की किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में है, ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिम लिख देंगे। देखो ये खिड़की, उधर भी ऊपर भी दिखी खिड़की, तो ये पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम लिख देंगे। प्रश्न सात में लगा, दरवाजा किस दिशा में, तो दरवाजा आपका इस तरफ था, तो पूरब लिख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा पूरब, ठीक है। श्याम पट किस दिशा में था, श्याम पट उस तरफ था, लग जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा सामने वह उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा लिख देंगे। और इसमें लगा सूचना पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तो पूर्व दिशा में जाना होगा। अगला, कक्षा में अलमारी किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में, इस तरफ थी ना, तो हाँ, तो पश्चिम दिशा, तो इस प्रकार से आप लोग बड़ी को रुक रुक कर पूरा लिख लें। अब प्रश्न क्रमांक आठ, ग्यारह से अठारह तक है, जिसको हम करेंगे। इसमें लगा है, दिए गए बॉक्स में अपने गाँव वाड़ा नजरी नक्शा बनाइए, जिसमें स्कूल, आपका घर, आंगनबाड़ी, जल स्रोत, खेलने की जगह, पेड़, रास्ता, दुकान भी दिखा दें। चलिए हम नक्शा बना देते हैं, तो यहाँ से हम लोग घर से बनाएंगे सीधे अपने स्कूल का, ठीक है। दिए गए बॉक्स में अपने गांव का या नजरी नक्शा बनाए, जिसमें स्कूल, आपका घर, और आंगनबाड़ी, जल स्रोत दिखे। सीधा सी सैंपल आपको बना देना, पहले आप लोग इस प्रकार से बना लें पूरा, इस प्रकार से कर लें, ठीक है, ऐसे बिल्कुल चाय ऐसे। अब देखो जी अपना क्या, अपना गाँव का पूरा नक्शा है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा अपना घर, ठीक है जी, आपका घर बना लें अपना जी, आपका हो गया घर, ठीक है। अब घर से अपन चले, तो यहाँ पर मिला हमको गया एक तालाब, ठीक है जी, तालाब हो गया।
इधर से ऐसे ऐसे आए अपन, ठीक है। ये अपना हो गया क्या विद्यालय, ठीक है जी, आपका विद्यालय हो गया, विद्यालय पे आ गए, ठीक है जी। हो गई अपनी आंगनबाड़ी, ठीक है। ये हो गई अपनी कहा को दे, इस तरफ कर लो अपन दुकान, ठीक है। और घर के पास हो जाएगा अपना पेड़, इस प्रकार से आप लोग पूरा चित्र बना लें जैसे मैंने बनाया, आप लोग भी इस प्रकार से बना लें, ठीक है। चलिए पढ़ते नेक्स्ट को, नेक्स्ट आप लोग सामने आ पाए। बने बने नक्शा को देखकर पूछे गए प्रश्नों को तल जी। जैसे आपने नक्शा बना लिया है तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए जी नक्शा बना, नक्शा ये है, ठीक है। इस नक्शा को पहले आप लोग ध्यानपूर्वक देख लें, ठीक है। देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे तो नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति के भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक है, तो कौन सा चौक जाए विजय चौक, तो यहाँ पर विजय चौक लिख देना है, ठीक है। विजय चौक हो जाएगा, फिर लगा राष्ट्रीय भवन से जनपथ जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा राजपथ, तो यहाँ पर आपको राजपथ लिख देना है। इस प्रकार से आप लोग सामने स्टूडेंट्स आपका जो पार्ट, आपका जो पार्ट जो भी था, तो ये पार्ट आपका आठ आठ पार्ट था, ठीक है। तो कक्षा पाँचवीं गणित का, कक्षा पाँचवीं का गणित का एट ग्यारह प्रश्न का पार्ट आठ आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। अब हम अगले वीडियो जो ला रहे हैं वो पार्ट नौ के ला रहे हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ताकि वो नौ वाला पार्ट वीडियो डालूं वो आपको मिल सके। तो पार्ट नौ का इंतजार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय भारत।